आप देख रहे हैं जयवन राजस्थान न्यूज और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के बोरावड से है, जहां शहर के गणेश डूंगरी रोड स्थित राणा महिला टीचर ट्रेनिंग कॉलेज और श्री राणा एसटीसी कॉलेज में 5 दिवसीय ओपन एयर सेशन कैंप का शुभारंभ माँ सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ चेयरमैन ओम प्रकाश डारा, निदेशक राजेंद्र डारा, सचिव खेमचंद डारा, सन्वेक गिरदानी मीणा, प्राचार्य राजू राम जाखड़, मातृभूमि डिग्री कॉलेज प्राचार्य अश्वनी करेसरिया ने किया। सचिव खेमचंद डारा ने इस अवसर पर कहा कि ओपन एयर सेशन कैंप के माध्यम से शिक्षक बच्चों में कल्पनाशीलता, आत्मविश्वास, तार्किक सोच, अभिव्यक्ति, रोचक गतिविधियों के माध्यम से समृद्ध करने का प्रयास करते हैं। निदेशक राजेंद्र डारा ने कहा कि समग्र विकास के लिए आयोजित ओपन एयर सेशन कैंप एक कार्यक्रम है। इस कैंप के माध्यम से शिक्षक बच्चों में मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास होता है। प्राचार्य राजू राम जाखड़ ने कहा कि इस कैंप में शिक्षक बच्चे पूरे उमंग व उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। कैंप प्रभारी राहुल खंडेलवाल से मिली जानकारी के अनुसार आज की प्रतियोगिता बोरा दौड़ में बीएड वर्ग में सुनीता गोदारा प्रथम, मोनिका जांगिड़ द्वितीय, अनु बिदासर तृतीय, बीएसटीसी वर्ग में मंजू कोडिया प्रथम, विमला परिहार द्वितीय, सुशीला गुजर तृतीय रही। नींबू चम्मच दौड़ में बीएड वर्ग से आसमा यादव प्रथम, पूजा सोनी द्वितीय, गुड्डू चौधरी तृतीय, बीएसटीसी वर्ग में धनपति प्रथम, अनुसूया द्वितीय, सुमित्रा तृतीय रही। रस्साकसी प्रतियोगिता में बीएड वर्ग से रानाबाई दल विजेता रहा। बीएसटीसी वर्ग में मदर ट्रेसा दल विजय रहा। कैंप संयोजक राहुल खंडेलवाल, पूजा वर्मा, खेल प्रभारी अनिल पारिक, सरजू सफरुद्दीन जावेद खान, महावीर सेठसिया, खेल निर्णायक भाग्यश्री, दौलत सिंह, दीपक दादीज, मनोज सैनी, इमरान अहमद, रमेश सरगरा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बोरावट से ब्यूरो रिपोर्ट, जयवन राजस्थान न्यूज़।